अलग शो से कैसे डिफाइन करूंगी मैं, इसलिए क्योंकि ये जो शो है इसमें हर एक वो एलिमेंट है जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉनर को टारगेट नहीं करता। ये बच्चों के लिए भी उतना ही अच्छा शो है, ये जो हमारी लेडीज़ हैं उसके लिए भी, सिबलिंग्स के लिए भी, जो बहन भाई और भाई बहनों का बॉन्ड होता है, और प्यार भी है इसमें, और बड़े लोग भी इसको देख सकते हैं। तो हर जॉनर के लिए है और हर जॉनर है इसमें, मतलब हंसी है, नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, लव है, अफेक्शन है, और रिलेशनशिप्स हैं जो फैमिली में होते हैं वो दर्शाता है ये। तो हर कोई कनेक्ट कर सकता है और ये इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग शो है। मैम आगे भी इस फील्ड में कंटिन्यू करना चाहेंगे आपकी? बिल्कुल, अभी तक तो यस, इतने अच्छे अच्छे सिटीज में आने का मौका मिलता था, क्यों नहीं कंटिन्यू करेंगे कोई एक्टर बन के। और ये मेरा मतलब फर्स्ट वो है प्रमोशनल टूर, तो इसलिए भी मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कैसे होता है, क्या होता है। तो पहली बार मैं देख रही हूँ ये सब चीज़ें, और कैसे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डेब्यू जिसे बोलते हैं बिग डेब्यू जो होता है, पोस्टर फेस वो मेरा है। तो इसलिए मेरे लिए सब कुछ बहुत ही अच्छा और न्यू और बहुत ही खुश वाला खुशनुमा टाइम चल रहा है अभी तो। एक्सपीरियंसिंग मूवीज में भी कंटिन्यू करना चाहिए अगर आपको ऑफर मिलता है तो? बिल्कुल, वही तो अल्टीमेट गोल होता है। और मैं सबसे पहले मूवी करना चाहूंगी रणबीर कपूर के साथ। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ रणबीर की, एंड आई रियली वांट टू मीट हिम, एटलीस्ट सी हिम। मेरा सपना मैं उसको देख लूँ एक बार ऐसे लाइव, तो वो रणबीर कपूर की मैं फैन। तो मैम अपना आइडल आप रणबीर कपूर को ही मानती हूँ? आइडल तो नहीं, फेवरेट, और हाँ फेवरेट है वैसे। एक्ट्रेस में तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि वो हॉलीवुड में भी इतनी कमाल की एक्टिंग करती है, मतलब शी इज टू गुड, शी इज ब्रिलियंट। आप मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इतनी कमाल है उनकी, तो शी इज माई फेवरेट, प्रियंका चोपड़ा। मैं तन्वी डोगरा। और क्या पूछना था आपने कि एक्टिंग कैसे? मैं इंजीनियरिंग के बाद एक्टिंग कैसे, तो पुणे में मैं जॉब कर रही थी, और मेरे बॉम्बे के फ्रेंड ने मुझे ऑफ़र किया कि एक ऑडिशन दे दो। तो मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपने फ़ोन से ही ऑडिशन बना के भेजा था, एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। सो आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे टचवुड कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, ये नहीं। और बिल्कुल बैठे बिठाए घर पे मेरे, मतलब चल के जिसे बोलते हैं डेस्टिनी, लक, वो ही हुआ मेरे साथ। तो ये है कि मैं कैसे, भगवान को चाहिए था कि मैं एक्टर बन जाऊँ, तो मैं एक्टर बन गई हूँ। तो मैम इस फील्ड में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा था किससे, पहली बारी में? दोनों फील्ड का अपना अपना मज़ा है, लेकिन हाँ आपको एक्टिंग में, क्योंकि आई एन्जॉय डूइंग इट, तो इसलिए मुझे मज़ा आता है। बाकी तो टफ बहुत ज़्यादा एक्टिंग है, क्योंकि ऑफिस वर्क इज स्टिल बेटर, क्योंकि आप बैठो और मतलब ठीक है वो, पर एक्टिंग इज़ वेरी टफ। मतलब जो दिखता है स्क्रीन पे कि हाँ बहुत अच्छा लग रही है वो, पर बिलीव मी हर दिन 12 to 15 आवर्स शूट करना, मेकअप और इस सब में, और कैमरा के आगे, मतलब, और इतने लोग होते हैं आपको देख रहे होते हैं, तो वो बहुत टफ है। पर मैं एंजॉय कर रही हूँ, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। मैम आप लखनऊ फर्स्ट टाइम आई हैं? हाँ, ये मेरा पहला विजिट है लखनऊ में, और इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सिटी है, और यहाँ के टुंडे कबाब बहुत फेमस है, और मैं नॉन वेजिटेरियन में हार्डकोर नॉन वेज लवर हूँ, तो इसलिए मैं वो तो खा के ही जाऊँगी किसी भी हाल में, चाहे मेरी फ्लाइट मिस हो जाए। वो मैं खा के जाऊँगी। मैं एक लास्ट क्वेश्चन में पूछना चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, मेरा कैरेक्टर है फाल्गुनी पुरोहित का, जो कि जिसकी एक छोटी बहन है, और बचपन से उसे पालती है, क्योंकि 8 साल की उम्र में, जब वो 8 साल की थी तो उनकी माँ गुजर गई थी, और माँ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखती है कि आगे तुम उसकी माँ हो, तुम उसकी बहन हो, तो इसलिए ये एक रीज़न है कि वो मुझे जीजी माँ बुलाती है। तो इसलिए जीजी माँ हमारा शो है, जो कि दर्शाता है एक दो बहनों का प्यार, और बहुत ही प्योर एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करती हैं ये दोनों बहनें। छोटी के दिल में रिस्पेक्ट है अपनी जीजी के लिए, और बड़ी के दिल में वो माँ जैसा ही प्यार है, उसे हर चीज़ देना चाहती है, अपनी खुशियाँ उसने साइड पे रख दी हैं, अपने डिज़ायर्स, अपने जो भी सपने हैं वो सब उसने साइड पे रखे हैं और सबसे पहले वो अपनी बहन के बारे में सोचती है कुछ भी होता है तो। जैसे अगर आप शो में भी देखेंगे तो वो मंदिर पे चढ़ जाती है 2000 रुपये के लिए, सिर्फ अपनी बहन के लिए। और अभी उसने साड़ी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया सिर्फ अपनी बहन की फ़ीस जमा करने के लिए। तो वो कैसे मतलब इतने हर्डल्स पार करती है, वो एक सिंगल हैंडेड अपने घर को चलाती है और अपनी बहन को वो हर चीज़ देना चाहती है जो वो नहीं ले पाई अपने लिए। उसने एजुकेशन सेक्रीफाइस की और उसने वो बचपन से सिलाई कढ़ाई करती हुई आ रही है और वो कोई भी छोटा मोटा काम भी कर लेगी अगर उसकी बहन को खुशी देना चाहती है। तो ये है फाल्गुनी पुरोहित। प्यार और सिंप्लिसिटी बहुत है इसमें, लविंग है, बहुत प्यार है, बहुत ऑनेस्ट है ये लड़की और सेल्फ मेड लड़की है, आजकल की लड़की है और बहुत अच्छी लड़की है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द राइजिंग न्यूज़ और लॉग ऑन करें www.therisingnews.com पर। धन्यवाद।